जो मैं आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का 10वां अध्याय नेताजी का चश्मा पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। बच्चों, यह एक बहुत ही रोचक कहानी है जिसमें कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो प्रतिमा होती है उसके चश्मे के बारे में बताया गया है कि किस तरह से उनकी प्रतिमा का चश्मा प्रतिदिन बदल जाता है। अब हम इस कहानी में ये देखेंगे कि यह चश्मा किस कारण से बदलता है, क्यों बदलता है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। लेखक परिचय। स्वयं प्रकाश का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। तो मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा शहर है जिसका नाम है इंदौर, वहाँ पर इनका जन्म हुआ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और उसके बाद में एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में बीता। इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद में एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की, यानी कि प्राइवेट जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनमें इन्होंने नौकरी की और इनके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान में व्यतीत हुआ। फिलहाल यानी कि अभी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति क्या होती है बच्चों? सेवानिवृत्ति तो आप जानते हैं, आपके शिक्षक भी जब 60 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाता है ना, उसी तरह से। लेकिन स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होती है जब हम अपनी इच्छा से सेवानिवृत्ति ले लेते हैं, जबकि हमारी उम्र भी नहीं हुई होती है सेवानिवृत्ति की, यानी 60 वर्ष की अवस्था से पहले ही स्वयं ही हम सरकार से या अपने प्रतिष्ठान से यह कहते हैं कि अब हम नौकरी नहीं करना चाहते, हमें सेवानिवृत्ति दे दी जाए। तो अभी ये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद भोपाल में रहते हैं और वसुधा पत्रिका के संपादन से जुड़े हैं। वसुधा एक बहुत ही प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका है, उसके संपादन के कार्य से ये जुड़े हुए हैं। 8वें दशक में उभरे। बच्चों, ये 8वें दशक में उभरे थे। 8वां दशक किसे कहा जाएगा? 8वां दशक कहा जाएगा 1980 के बाद का जो दशक है, 1980 से लेकर 1990 के बीच के दौरान ये उभरे, यानी कि इनका काफ़ी नाम हुआ। स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। तो जो समकालीन कहानी हुई है उसमें स्वयं प्रकाश को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। 13 कहानियों के संग्रह उनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी, जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय हैं। ये कुछ कहानी संग्रह बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। इन कहानियों के अलावा उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं जिनमें से विनय बहुत प्रसिद्ध है और ईंधन बहुत प्रसिद्ध है। उन्हें पहल सम्मान, वनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। तो उन्हें बहुत सारे पुरस्कार भी प्राप्त हुए हैं। इससे पता चलता है कि हिंदी साहित्य में वे कितना महत्व रखते हैं। अब देखते हैं बच्चों, मध्यवर्गीय जीवन के कुशल चितेरे। उन्होंने मध्यवर्गीय जीवन का बहुत सुंदर चित्रण किया है। स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। वर्ग शोषण क्या होता है बच्चों? निम्न वर्ग का जो शोषण होता है, गरीबों का शोषण होता है, मजदूरों का शोषण होता है, उसके ऊपर इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी हैं। तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। तो हमारे समाज में जाति को लेकर के भेदभाव होता है, जाति प्रथा है, संप्रदाय यानी कि धर्मों को लेकर भी भेदभाव किया जाता है और लिंग, लिंग के आधार पर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग यानी स्त्री और पुरुष में भी भेदभाव किया जाता है। इस भेदभाव के खिलाफ ही उन्होंने प्रतिकार का स्वर उठाया है। प्रतिकार का अर्थ होता है विरोध। तो समाज में हो रहे जितने भी भेदभाव हैं उनका इन्होंने विरोध किया है।
रोचक किस्सागोई शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। तो बच्चों, इन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं वे रोचक किस्सागोई शैली में लिखी हैं, यानी कि किस्सा कहने के अंदाज में लिखी हैं। कहानियों का एक तरीका तो होता है कहानी पढ़ना और एक तरीका होता है कहानी कहना। हम अपने बचपन में भी अपनी नानी से, अपनी दादी से कहानियाँ सुना करते थे, तो उसी तरह की कहानियाँ इन्होंने लिखी हैं जो कि किस्से की शैली में हैं। और ये हिंदी कहानी की वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है, यानी कि कहानी कहने की जो परंपरा है वह विकसित होती है इनकी कहानियों के द्वारा। अब बच्चों, हम पाठ परिचय देखेंगे कि पाठ में क्या क्या बताया गया है। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। हम देश किसे कहते हैं? देश हम एक बड़े भूभाग को कहते हैं जिसमें हम रहते हैं। लेकिन लेखक कह रहा है कि चारों तरफ सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता, देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों से, यानी कि हम लोगों से देश बनता है। नदियों से देश बनता है, पहाड़ों से देश बनता है, पेड़ पौधों से देश बनता है, वनस्पति से बनता है, पशु पक्षियों से, और इन सब से प्रेम करने तथा इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम देशभक्ति है। तो देशभक्ति हम किसे कहेंगे? देशभक्ति कहेंगे अपने देश में रहने वाले लोगों से, पशु पक्षियों से, अपनी नदियों से, अपने पहाड़ों से, इन सब से प्रेम करना ही सच्ची देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है। यह एक कहानी है जो बताती है कि देश का छोटे से छोटा व्यक्ति भी देश से प्रेम कर सकता है। हर व्यक्ति का देश से प्रेम करने का अलग तरीका होता है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। तो हर व्यक्ति किसी न किसी तरीके से इस देश के निर्माण में अपना सहयोग देता है। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। कहानी में यह भी बताया गया है कि बड़ों के अंदर ही देशभक्ति नहीं होती, बच्चों के अंदर भी देशभक्ति होती है, और वे भी अपने तरीके से अपने देश के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। नेताजी का चश्मा, बच्चों यह इस कहानी का शीर्षक है, बड़ा ही रोचक सा शीर्षक है। यहाँ पर नेताजी कहा गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, और चश्मा तो आप जानते ही हैं, लेकिन यह चश्मा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नहीं है। इस कहानी में यह चश्मा है उनकी प्रतिमा का। तो देखते हैं कहानी में क्या होता है। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। तो इस कहानी के मुख्य पात्र हैं हालदार साहब, जो कि किसी प्रतिष्ठान में नौकरी करते हैं और अपने काम के सिलसिले में उन्हें हर 15वें दिन एक कस्बे से होकर के गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा कस्बा था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा एक ही बाजार था। तो ये एक छोटा सा कस्बा था जिसमें कुछ पक्के मकान थे और एक छोटा सा बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, दो ओपन एयर सिनेमा घर और ठो नगर पालिका भी थी। तो वह जो कस्बा था उसमें लड़कियों का स्कूल अलग था, लड़कों का स्कूल अलग था, दो ओपन एयर सिनेमा घर थे। ओपन एयर का अर्थ होता है जो खुले में देखे जा सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे सिनेमा हॉल थे। इसके अलावा एक छोटा सा सीमेंट का कारखाना था, और सबसे महत्वपूर्ण जो था वहाँ पर वो थी नगर पालिका। वहाँ पर एक नगर पालिका भी थी। तो नगर पालिका थी, तो बच्चों नगर पालिका का अर्थ होता है एक प्रशासनिक इकाई जो नगर का सौंदर्यकरण करती है। तो नगर पालिका एक सरकारी इकाई होती है, एक प्रशासनिक इकाई होती है जो कि नगर के विकास का काम करती है, नगर को सुंदर बनाने का काम करती है, कहीं कोई निर्माण का काम कराया जाता है, इस तरह से नगर के विकास का, नगर के सौंदर्यकरण का
काम नगर पालिका का होता है। तो नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी, कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। तो नगर पालिका इस तरह के काम कस्बों में और छोटे नगरों में किया करती है। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। तो इसी नगर पालिका का एक उत्साही यानी कि बहुत ही जोशीला बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी था, उसको लगा कि शहर में इस कस्बे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक बहुत ही सुंदर सी प्रतिमा होनी चाहिए, तो उन्होंने एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी थी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। तो यह जो कहानी है यह उस संगमरमर की प्रतिमा के बारे में है और उस प्रतिमा के भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। देखते हैं बच्चों, पूरी बात का तो पता नहीं है, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने कि जब प्रतिमा बनाई जा रही थी तो देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी अधिकारियों को नहीं थी, और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण, और क्योंकि अगर अच्छी मूर्ति बनवाई जाती तो वो बहुत महंगी पड़ती और इतना बजट भी नगर पालिका के पास में नहीं था। इस कारण से काफी समय ऊहापोह होता है अनिश्चय की स्थिति सोच विचार करने में, और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। तो काफ़ी समय बर्बाद हुआ होगा कि किससे मूर्ति बनवाएं किससे नहीं मूर्ति बनवाएं, और बोर्ड की शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और बोर्ड की भी जो समयावधि थी जो समय की अवधि थी वह समाप्त होने वाली थी, यानी कि उनका जो शासन का समय था वह भी समाप्त होने वाला था। तो कम समय में ही किसी स्थानीय कलाकार को, स्थानीय कलाकार होता है उसी स्थान का कलाकार, उसको मूर्ति बनाने की जिम्मेदारी दी गई होगी। इसका अर्थ यह निकलता है बच्चों कि उस समय क्योंकि इनके पास पैसा भी सीमित मात्रा में था और इन्हें जानकारी भी नहीं थी कि अच्छा मूर्तिकार कहां पर मिलेगा, इसीलिए उसी कस्बे के किसी मूर्तिकार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनाने का कार्य दिया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, और लास्ट में जब कोई नहीं मिला होगा तो वहाँ का जो अकेला स्कूल था उसमें जो ड्राइंग के शिक्षक थे मोतीलाल जी, उन्हीं को यह काम सौंप दिया गया होगा कि आप ही मूर्ति बनवा करके लाइए। जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे, उन्होंने यह विश्वास दिलाया था कि एक महीने के अंदर मूर्ति बना करके पटक देंगे। तो बच्चों यहाँ पर यह पटक देंगे जो वाक्यांश है इसका अर्थ है यह काम तुरंत फुरत कैसे भी जल्दी से कर देंगे। जैसा कि कहा जा चुका है मूर्ति संगमरमर की थी, तो मूर्ति बनी थी वह संगमरमर के बड़े ही सुंदर पत्थर से बनी थी। संगमरमर के बारे में आप जानते ही हैं, ताजमहल भी संगमरमर से बना हुआ है, तो उसी पत्थर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति भी बनी थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, तो वह मूर्ति सिर से लेकर के यहाँ तक की थी, तो कोई 2 फीट की वह मूर्ति थी जिसे कहते हैं बस्ट। इस तरह की मूर्तियों को बस्ट कहते हैं जो कि सिर से लेकर के यहाँ तक की छाती तक की होती हैं। इसी प्रकार की वह मूर्ति थी और सुंदर थी, और मूर्ति बनी सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे इस मूर्ति में, नेताजी बहुत ही सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम, वे बहुत ही मासूम से नज़र आ रहे थे। और कमसिन का अर्थ होता है बच्चों कम्र उम्र नौजवान। तो यह जो मूर्ति बनी थी नेताजी की यह बड़ी ही सुंदर सी थी, जिसमें नेताजी कम उम्र के नजर आ रहे थे और मासूम से सुंदर से दिख रहे थे।
फौजी वर्दी में उन्होंने फौजी वर्दी पहनी हुई थी। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगते थे, क्योंकि नेताजी फौजी वर्दी में थे और उस मूर्ति को देखकर ही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा या दिल्ली चलो जैसे नेताजी के नारे याद आने लग जाते थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। इस तरह से देखा जाए तो यह प्रयास सफल था और सराहनीय था, यानी कि प्रशंसा के योग्य था, प्रशंसा की जा सकती थी। केवल एक चीज़ की कसर थी, कसर का अर्थ है यहाँ पर कमी, केवल एक चीज़ की ही कमी नज़र आ रही थी जो देखते ही खटकती थी, जो देखते ही आँखों को चुभती थी, परेशान करती थी। नेताजी की आँखों पर चश्मा नहीं था। वो कमी यह थी कि नेताजी की मूर्ति तो बहुत सुंदर थी लेकिन नेताजी की आँखों पर चश्मा नहीं था, जबकि नेताजी हमेशा चश्मा लगाया करते थे, इसलिए वह मूर्ति कुछ कुछ खाली खाली सी, सूनी सूनी सी लग रही थी। यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, यानी कि चश्मा तो लगा हुआ था नेताजी की मूर्ति पर वह चश्मा संगमरमर का नहीं था। अगर मूर्ति संगमरमर की थी तो उस पर चश्मा भी तो संगमरमर का ही होना चाहिए था, लेकिन चश्मा संगमरमर का नहीं था, एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। तो नेताजी की मूर्ति पर जो चश्मा था वह वास्तविक का चश्मा था, जैसा कि चश्मा हम लोग पहना करते हैं। तो संगमरमर की मूर्ति पर एक सामान्य चश्मा लगा हुआ था जो कि चौड़े फ्रेम का था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, तभी उन्होंने इसकी तरफ ध्यान दिया, इसकी तरफ लक्ष्य किया और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी, एक कुतूहल भरी, एक जिज्ञासा भरी सी मुस्कान फैल गई। वे सोचने लगे कि आखिर यह कैसे हुआ है। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, उन्होंने सोचा। अरे यह तो बड़ा ही अच्छा आइडिया है, मूर्ति पत्थर की मूर्ति तो पत्थर की है लेकिन चश्मा रियल, लेकिन चश्मा वास्तविक का है, जैसा चश्मा हम लोग पहनते हैं वैसा ही चश्मा है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हालदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। तो हालदार साहब जीप में बैठकर जाते थे, अब उनकी जीप उस कस्बे से आगे निकल गई, लेकिन पूरे रास्ते हालदार साहब उस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। पर उन्होंने सोचा जैसा भी है लेकिन कस्बे के लोगों का यह जो प्रयास है यह सराहनीय है, यानी कि प्रशंसा के योग्य है, क्योंकि उस मूर्ति को देखकर उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। उन्होंने सोचा कि मूर्ति का रूप, रंग, लंबाई, चौड़ाई महत्व नहीं रखती, भावना उस मूर्ति को लगाने से है कि मूर्ति लगाने के पीछे देशभक्ति की भावना है, जबकि आजकल तो देशभक्ति भी लोगों के लिए मजाक की वस्तु बन गई है, मजाक की बात बन गई है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। अब दूसरी बार मूर्ति ने दूसरा चश्मा पहन रखा था। बताओ ये कैसा गजब हुआ। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। मूर्ति का तो चश्मा ही बदल गया, पहले अलग तरह का चश्मा था अब अलग तरह का चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक, कौतुक का अर्थ होता है उत्सुकता, और बढ़ गई। वह जो उत्सुकता थी वह उनके अंदर जानने की इच्छा और ज़्यादा बढ़ गई कि भाई ये क्या चक्कर है। वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तो उन्होंने सोचा कि यह तो बहुत ही मज़ेदार बात है कि मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है, बार बार बदल बदल कर चश्मा तो पहन ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था, अब तीसरी बार तो फिर नया चश्मा मूर्ति ने पहन रखा था। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते समय
चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। उस मूर्ति में हालदार साहब को बहुत रुचि हो गई थी। वे कस्बे में रुकते थे, वहाँ पर पान खाते थे और उस मूर्ति को ज़रूर देखते थे। एक बार जब कौतूहल उनको जो जानने की इच्छा थी वह दुर्दमनीय हो उठा। दुर्दमनीय का अर्थ होता है बच्चों जिसका दमन ना किया जा सके, जिस भावना को दबाया नहीं जा सके उसको दुर्दमनीय कहा जाता है। तो जब उनका कौतूहल उनकी जिज्ञासा दुर्दमनीय हो उठी तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। उन्होंने पूछा कि हर बार जब देखता हूं तो नेताजी का चश्मा बदल जाता है, इसका क्या कारण है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। जो पान वाला था वह मोटा था, काला था और खुश मिजाज था, यानी कि बहुत ही खुश रहने वाला, प्रसन्न रहने वाला स्वभाव उसका था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। आंखों ही आंखों में इसलिए हंसा क्योंकि मुंह में तो उसके पान ठुसा हुआ था। उसकी तौंद थिरकी और क्योंकि वो बहुत मोटा था और उसकी बहुत बड़ी सी तौंद थी, वो तौंद थिरकने लगी क्योंकि वो हंसा। जब मोटा आदमी हंसता है तो क्या होता है, उसकी तौंद हिलती है। तो इसी तरह से उस पान वाले की भी तौंद थिरकने लगी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला। तो पहले तो उसने अपना पान थूका और फिर अपने लाल और काली यानी कि लाल और काले रंग के दांतों को दिखा करके बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है कि अरे नेताजी के चश्मे को तो कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। क्या करता है, हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। अब हालदार साहब को समझ में नहीं आया कि कैप्टन चश्मे वाला क्या करता है। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। उन्होंने सोचा कि अगर चश्मे वाले ने एक चश्मा लगा दिया तो उसे लगा रहना चाहिए, यह बार बार चश्मा बदलता क्यों है, बदलने का कारण क्या है। कोई ग्राहक आ गया, समझो ग्राहक का अर्थ है यहाँ पर ग्राहक, कि उस चश्मे वाले का कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़े चौखट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, उसको चौड़ा चश्मा चाहिए तो कैप्टन कहाँ से लेकर आएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया। और मूर्ति ने चौड़ा चश्मा पहना हुआ है, चौड़े फ्रेम का चश्मा पहना हुआ है, तो कैप्टन चश्मे वाला क्या करता है कि मूर्ति से उतार करके चौड़े फ्रेम का चश्मा तो ग्राहक को दे देता है और मूर्ति पर उधर दूसरा बिठा दिया और मूर्ति के ऊपर दूसरा चश्मा लगा देता है, इसीलिए वह मूर्ति बार बार चश्मा बदलती रहती है। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। आहत का अर्थ होता है चोटिल करती है, दुखी करती है, परेशान करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही है। ऐसा लगता है कि नेताजी को चश्मे के बिना असुविधा हो रही है, परेशानी हो रही है, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। उस बेचारे के पास थोड़े से चश्मे हैं, थोड़े से चश्मे के फ्रेम हैं, उन्हीं चश्मों के फ्रेम में से वह एक चश्मा नेताजी के लगा देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है। दरकार का अर्थ होता है ज़रूरत, तो वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। तो वह क्या करता है, वह नेताजी का फ्रेम ला करके ग्राहक को दे देता है और नेताजी के चेहरे पर दूसरा फ्रेम लगा देता है। तो यह कितना अच्छा आइडिया है, वाह भाई खूब, बहुत ही अच्छा आइडिया है यह तो।